गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारी चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारे इस कहानी को। इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। दोस्तों ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है। किसकी वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी समीर पठान की है। समीर रमतलाम मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कहता है ये बात आज से एक साल पहले की है। मैंने अपनी नई दुकान खोली थी। मेरी दुकान पर मैं और मेरे भैया हम दोनों रहते। जब भी वो लंच लेने घर चले जाते तब मैं अकेला रहता। जून का महीना था। मैं अपनी दुकान पर बैठा कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। तभी एक लड़की और एक लड़का मेरी दुकान पर आया। मैंने ध्यान से देखा तो उस लड़की की उम्र वही 22-23 साल रही होगी और लड़की की उम्र 28 ही रही होगी। लड़के ने कंप्यूटर संबंधित कुछ काम बताया। उन्हें कुछ प्रिंट निकलवाना था। मैंने उनको बोला ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो। ये सुनकर लड़की ने मेरे व्हाट्सएप पर प्रिंट टेस्ट भेज दिया। मैंने 5 मिनट में उनका काम कर दिया। वो वहाँ से चले गए। अब मैंने उनका नंबर को जिससे मेरे व्हाट्सएप पर फाइल आया था उसे अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मैं रात को घर पहुँचा तो देखा उस लड़की ने भी अपना नंबर पर मतलब अपने मोबाइल पर मेरा नंबर सेव कर लिया था। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उसका व्हाट्सएप का स्टेटस मुझे दिख रहा था। मैंने उसे स्टेटस पर कमेंट किया तो उसने भी मेरे कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। इस तरह हमारी बहुत बातचीत थोड़ी बहुत होने लगी। उसने मुझे बताया उसका नाम सबा है। वो मेरे दुकान के सामने ही किराए में रहती थी। वो यही रतलाम में ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब करती। उसकी हल्की फुल्की बातचीत में ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मैंने उसे उसका मकान का पूछा तो उसने सामने के मकान की दूसरी मंजिल पर अपना मकान दिखा दिया। मैंने उसको दुकान पर देख लिया था। ये तो बिल्कुल मेरी दुकान के सामने से ही दिखती थी। उसको मुझसे चैट करना अच्छा लगने लगा, मुझे भी। एक दिन रात के 12 बजे मैं उसे चैटिंग कर रहा था तो उसने मुझे कॉल करने के लिए बोला। मैं देर ना करते हुए उसे कॉल किया। कुछ देर यूं ही हाय हेलो के बाद हम लोगों ने इधर उधर की बातें की। उसने कहा कि कल दुकान पर आकर मिलती हूँ। मैंने स्वागत है कहकर उसे आने के लिए कह दिया। फिर हम दोनों गुड नाइट बोलकर सो गए। अगले दिन मैं दुकान पर गया तो सामने सबसे पहले तो उसने कॉल किया और बताया कि मैं दुकान पर आ गया हूँ और आप अपने रूम से बाहर आओ, मुझे आपको देखना है। वो कपड़े लेने के लिए बहाने से बाहर आई। मैंने उसे देखा तो एकदम पागल सा हो गया। वो खूबसूरत से दिख रही थी यार, क्या बताऊँ कितनी। उस वक्त मैं बस उसे देख ही रहा था। मैं उसकी देख कर बस उसके बारे में ही सोच रहा था। वो कुछ मुझे देख कर जैसे ही रूम में वापस गई उसने मुझे कॉल किया और हमारे इधर उधर की बातें होने लगी। अगले दिन उसे नर्सिंग होम से कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई तो वो अपनी फैमिली के पास अपने गांव जा रही थी। उसने गांव जाते समय मुझे बस में से कॉल किया और हम दोनों की बातें होने लगी। उसकी बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे पसंद करती है। उस टाइम हमारी 3 घंटे तक बात हुई। उसने खुद के बारे में मुझे एक एक बात बताई। मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। जब वो अपने घर पहुंच गई तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं घर पहुंच गई हूँ। अगले दिन उसने वीडियो कॉलिंग की और वो बड़ी ही दिलकश अंदाज में मुझसे बातें कर रही थी।
मैं भी उसकी तारीफ कर रहा था तो वो खुश हो गई। इसी तरह हमारी बातचीत को अच्छे से बात हुई। वो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, मैं उसे बार बार बस देख रहा था। हम दोनों चूंकि अब मजाक भी होने लगा था तो मैं उसकी टांग खींचा करता था कभी कभी। मैं मजाक मजाक में उसे कुछ भी बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझे प्रपोज कर दो। वो थोड़ा आना कानी के बाद उसने मुझे आई लव यू बोल दिया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। वो भी मुझे खुश दिखी। दो दिन के बाद वो वापस रतलाम आ रही थी। उस दिन फ्रेंडशिप डे था तो वो रास्ते में मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। रतलाम आते ही उसने मुझे गिफ्ट मेरी दुकान पर आकर दिया तो मैंने भी उसको एक गिफ्ट दिया, ये ब्रेसलेट था। फिर अगले दिन जब मैं दुकान पर अकेला था तो उस वक्त वो मेरे गिफ्ट हाथ में पहनकर आई थी। मैंने उसे घर ही गिफ्ट किया था। दुकान में बैठ गई, मैं दुकान की शटर अंदर से लगा दिया और कुछ देर हम लोग बातचीत किए। शायद वो खुद ही मुझसे प्यार करने आई थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई। अब तो हमारी हर रोज ही कॉल पर बातें होने लगी। और ये बात कब बढ़ गया और कब हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बात करने लगे पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक महीने बीत गया पर कहीं मिलने का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया था। एक दिन जब मैं दुकान पर अकेले था तो उसने कॉल किया और इधर उधर की बात करने के बाद मुझे गुस्से से बोला, समीर आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो अभी तक मिल लेते, रूम नहीं होने का बहाना नहीं बनाते। मैंने उसको समझाया तो वो मान गई, पर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि लड़की खुद तैयार है और मैं एक रूम का इंतजार नहीं हो पा रहा। दो दिन यूं ही कमरे के जुगाड़ में सोचता रहा। फिर कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर वाले सब लोगों को किसी काम से बाहर जाना था, मुझे ये मौका काफी अच्छा लगा, मैं नहीं गया। ये बात मैंने उसे कॉल करके बता दी कि कल सुबह मेरे घर वाले सब बाहर जा रहे हैं पर मैं नहीं जा रहा, मैं तुमको कल 12 बजे लेने आऊंगा, रेडी रहना। उसने हामी भर दी, वो काफी खुश थी। मैं उस रात कॉल करके बोला कि तो तुम खुश हो ना, उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तो तुम कल रेड और ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आना, स्पेशली रेड। वो बोली क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही रेड कलर के कपड़ों में तो मैं देखना चाहता हूँ। वो बोली सॉरी मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों, क्या तुम्हारे पास रेड कलर के कपड़े नहीं है? वो बोली मेरे पास रेड कलर के 4 कपड़े हैं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? उसने कहा मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है मैं रेड कलर के कपड़े पहन के नहीं आ सकती। मैंने कहा अब तुम कौन से कलर के कपड़े पहन के आओगी? वो बोली तुम सोचो। मैं बोला यार मैं सोच कैसे सकता हूँ, मैं तो इच्छा बता सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रेड कलर के कपड़े पहन के आओ। वो बोली क्या यार तुम रेड पर अटक हुए हो, क्या तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दे सकते? मैं सोचने लगा कि ये खुद कौन से कलर के इस कपड़े पहन के आएगी, कैसे सोचू। मैंने कहा तुम कोई हिंट दो। वो बोली मैं तुमको सही उत्तर देने के लिए 4 मौका दूंगी। मैंने कहा नीला कलर। वो बोली एक मौका खत्म। मैंने कहा गाढ़े कलर। वो बोली दूसरा मौका खत्म। मैंने कहा गुलाबी। वो बोली नहीं। 3 मौके खत्म। मैं बोला सफेद। वो बोली नहीं, तुम्हारे 4 मौके खत्म। मैंने कहा तो फिर तुम ही बताओ कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आओगी। वो खिलखिलाने लगी और बोली अरे मेरे भोले सनम अब तो ये तुम ही सोचो। ये कह कर वो हंसने लगी। मैं ही तो मैं बस सोचते रहा। इसी तरह हंसी मजाक के बाद हम दोनों का मिलना तय हुआ। हम दोनों उस दिन जल्दी सो गए। मैं सुबह उठा तो देखा घर वाले सब जाने की तैयारी कर रहे थे। लगभग 8:30 बजे तो सब निकल गए। मैं बहुत खुश था पर अभी बस 9 बजे थे, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने उसको कल 12 बजे आने के लिए कहा था, अभी तो सिर्फ 9 ही बज रहे थे, अभी 3 घंटे बाकी थे। मैंने उसे कॉल करके बताया कि घर वाले सब चले गए। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। मैंने उसे बोला तुम 12 बजे नहीं 10 बजे ही आ जाओ। वो झट से मान गई। खुद को ले आने के लिए मैंने बोले ठीक 10 बजे मैं उसके घर के अगले चौराहे पर
अपनी बाइक पे बैठा कर अपने घर से कुछ दूर लाकर उतार दिया। मेरे घर आते ही ताला खोला और उसे इशारा किया। वो तेज कदमों से इधर उधर देखते हुए मेरे घर आई। मैं उसे अंदर लेकर आया और बाहर आकर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। उस समय भी सड़क बिल्कुल ही सुनसान सा था, कोई नहीं देखा। मैं अंदर गया और घर अंदर से लॉक कर दिया। मैंने उसे पानी पिलाया, उसके बाद कहा, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। वो मुझे पीछे पीछे चली गई। आज लड़की थी तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड किया, जो कि हमारे लाइफ के सबसे अच्छे पल थे। उसके बाद मैं उसे अपनी बाइक पे घर छोड़ गया। घर जाकर उसने बताया कि उसको बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके बाद पता नहीं कितना बार उसे घर बुलाया और कितना बार ही मैं उसके घर मिलने के लिए गया हूँ। तो दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई। अब आप बताओ, आपको ये कहानी कैसी लगी? वैसे लव स्टोरी क्यूट सी, सुनने में तो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे द्वारा बताइए ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।